नमस्कार दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में कितनी लहसुन की गाड़ियां आई। जो अपने जितेंद्र खुराना जी है, जान लेंगे इनसे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां है जी? आज 19 गाड़ी है, जिसमें 6 गाड़ी है हिमाचल की। हाँ जी, और बाकी एमपी और कोटा। अच्छा जी, तो आज की क्या पोजीशन है जी, क्या रुझान है जी ग्राहकों का? ठीक है, बिक्री मैंने आपको बोला था छठ के बाद बिक्री निकलेगी, बिक्री निकली हुई है। अच्छा जी, आज भी बिकेंगे, 2-3 4 हजार इकट्ठा तो बिकेगा आराम से। अच्छा जी, अच्छा जी। तो जो आज हिमाचल वाले हैं, इनमें क्या कुछ देखने को मिला जी? हिमाचल में भाई साहब क्या है, हिमाचल वालों का रुख धीरे धीरे साउथ से हटता जा रहा है। हाँ जी, आप देख रहे होंगे कि डेली की 4-5-6 गाड़ी हिमाचल की दिल्ली में आ रही है। हाँ जी, और बिक रही है। हाँ जी, जो इनके दिमाग में था कि सिर्फ साउथ में ही बिकेगा। हाँ जी, दिल्ली में नहीं बिकेगा, दिल्ली में बिक रहा है माल। अच्छा जी जी, बिकने लग गया जी। हाँ, वो सेटिस्फाइड है, हिमाचल वाले सेटिस्फाइड है। अच्छा जी, अगर ये चाइना पे रोक लगा देते हैं, हाँ जी, तो हिमाचल का 3 महीना बम्पर सेल का रहेगा। अच्छा जी, अगर दिल्ली में चाइना नहीं आता, हाँ जी, तो दिल्ली में माल तो बिकता ही है। हाँ जी, तो हिमाचल बहुत इज्जत से बिकेगा। अच्छा जी, तो आज के हिमाचल के क्या रेट रहे जी? हिमाचल मोटे माल 90 से 100, ये इस ग्रेड के जी है, ऐसे माल 90-95। हाँ जी, एक मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा मोटा माल है, आपको दिखाऊं? हाँ जी, ये देखिए आप, उधर से आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये वाला जी, ये देखिए ये वाला कट्टा जो है। हाँ जी, ऐसे माल 100-110। अच्छा जी, ये 100-110 की रेंज के माल है। इसमें भी अभी ये एक दो दाने हट जाए ना, जैसे ये। हाँ जी, हाँ जी, ये चीजें 120 रुपए की है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, और जो बात करें जी नॉर्मल इनके जो अपना ये 40-45। हाँ जी, 70-80। हाँ जी, 50-60। अच्छा जी, ऐसे करके ये सब माल है। हाँ जी जी, जो और बात करें जी इनमें क्या देखने को मिला जी, दूसरे वाले जो अपने मध्य प्रदेश राजस्थान जी, देसी मालों में जी 5-5, 7-7 रुपए पक्के बढ़े हुए हैं। अच्छा जी, उस टाइम से। हाँ जी, आज नहीं बढ़े। हाँ जी, पीछे से जो बढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ जी, डिमांड निकल रही है, और जो एक 5 रुपए का फ्लक्चुएशन आएगा। हाँ जी, ये अगर आपके बड़ी नहीं। हाँ जी, और चाइना नहीं आया। हाँ जी, तो 10 रुपए की पक्की तेजी आप समझिएगा इसमें और आएगी। अच्छा जी, चाइना के लिए अभी तक गिने चुने सिर्फ 20 से 25 ट्वीट हुए हैं। हाँ जी, जबकि आपका कम से कम भी 25,000, 30,000, 40,000 आदमी आपका न्यूज़ देखता है। हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद भी किसी ने कष्ट नहीं किया कि इसका हम पीएमओ को ट्वीट कर दें। हाँ जी, अगर 25,000 में से 5,000 भी पीएमओ को ट्वीट कर दें ना सर। हाँ जी, एक कट्टा एक दाना चाइना का नहीं आ सकता। अच्छा जी, और वो नहीं आने का मतलब हिमाचल वाले भी बचेंगे। हाँ जी, देसी वाले भी बचेंगे, हम सब बचेंगे। अच्छा जी, हाँ जी सर जी, जैसे अब ये त्योहार खत्म हो लिया, छठ पूजा का भी समझ लो लास्ट दिन है, अब उम्मीद है जी कुछ इससे और ज्यादा कि देसी वाले में के भी रेट बढ़ेंगे, ग्राहक आएंगे जैसे अब त्योहार मनाते हैं। भाई साहब, अब तो डिमांड का टाइम आ गया, बिक्री का टाइम है। हाँ जी, हाँ, 101% देखिए। अच्छा, अभी जितना भी आप लहसुन देख रहे हो, हाँ जी, ये पीछे दिवाली की और छठ की वजह से बिक्री थोड़ी सुस्त थी। हाँ जी, अब ये 4-5 दिन बाद ये लहसुन आधा दिखेगा। अच्छा जी, हाँ, अब ये खुल जाएगा बाजार, बिक्री खुल गई है सर। अच्छा जी, अच्छा, 4-5 हजार कट्टा बिकेगा, इतना आ थोड़ी ना। हाँ जी, और पीछे प्रोडक्शन मंडियों की क्या हालत है जी, वहाँ खुल गई जी? आवक कम है। अच्छा जी, वहाँ भी आवक कम है। अच्छा जी, रेट बढ़े वहाँ पर भी कुछ? वहाँ भी बढ़े हैं रेट। अच्छा जी, अभी अगर हम देखें आज के भाव के हिसाब से वहाँ पे पड़ता नहीं है। हाँ जी, जो वहाँ पे भाव है यहाँ पे भाव पड़ता नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये फ्लक्चुएट, ये डिस्पैरिटी चलती है तभी तेजी आती है। हाँ जी, ये डिस्पैरिटी नहीं चलेगी तो तेजी नहीं आती। हाँ जी, वहाँ मद्दा मिल रहा तो यहाँ तेजी कहाँ से आएगी? अच्छा, वहाँ तेजी होगी तो यहाँ तेज बिकेगा। अब ये हो गया, पहले क्या है किसान इंटरव्यूज यूट्यूब नहीं देखता था। हाँ जी, अब यूट्यूब पे कई है लोग जो बताते हैं तेजी आएगी, मद्दा आएगा, अपनी अपनी रिपोर्ट डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो किसान देखता है, तो हाँ, किसान जागरूक हो चुका। हाँ जी, उसको लग रहा है कि अभी आगे माहौल 2-3 महीने ठीक रहेगा। अभी तो 3 महीने तो है जी लहसुन बिकने के, पक्का पक्का 3 महीना बिक्री का निकलेगा। हाँ जी, इसमें कुछ उम्मीद है अच्छा होने की। हाँ जी, तो इसलिए टेंशन नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, सब थोड़े चुस्त हो जाओ, आप जितना इस पे ट्वीट करें पीएमओ पे, चाइना को रोक लें, सब बचेंगे। हाँ जी, अगर चाइना आ गया, हाँ जी, तो कोई नहीं बचेगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, अब तो जैसे हिमाचल है, हिमाचल वाले को भी मैंने देखा लोग लेने लग गए, और मंडी में भी काफी दुकानों पे अब तो
मैं कह रहा हूँ भाई साहब, पांच छह गाड़ी रोज हिमाचल आ रही है। पहले जो हिमाचल वालों के दिमाग में था कि हाँ माल नहीं बिकते, ये गाड़ी आई हुई है, मेरे दो गाड़ी हिमाचल आ। हाँ जी, आप देखिए माल कैसे है। अच्छा जी, ये जो गाड़ी खड़ी सामने उतर रही जी आपके। हाँ अच्छा, ये हिमाचल ही है ना जी। हाँ जी, हाँ बिकने लग गए जी अब। हाँ हाँ, बिक रहे भाई साहब। अच्छा जी, और अगर ये लोग रूटीन में आना चालू हो गए। हाँ जी, तो हिमाचल सेल है, ऑलरेडी सेल है। अच्छा जी, हाँ अभी भी आप देखो मेरी दुकान पे कम से कम 700 कट्टा के आसपास हिमाचल तो पड़ा ही है ना भाई साहब। हाँ जी हाँ जी, आप घुमाओ, ये हिमाचल पड़ा। हाँ जी, ये पीछे हिमाचल पड़ा। हाँ जी, ये सादा, ये देखिए ये सादा हिमाचल है। अच्छा जी, आगे हिमाचल पड़ा हुआ है। मंडी में भी आज चहल पहल चमकी जी आज कुछ। हाँ हाँ, चहल पहल पूरी है। हाँ जी, ये देखिए हिमाचल की सारी क्वालिटी है। ये अच्छा भी है तो ये भी है मेरे पास। अच्छा, ये भी हिमाचल है जी। ये भी हिमाचल। ये किस रेंज को होता है जी? ये 30 रुपए के आसपास बिक जाएगा। अच्छा जी, वो देखिए वो मोटा माल पड़ा। हाँ जी, मतलब कि सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ जी, 500-700 मेरे पास ही पड़ा है। अच्छा, पूरी मंडी भरी पड़ी है। हिमाचल आ रहा है, बिक रहा है। अच्छा, किसानों को तो मैं सीधा कह रहा हूँ, इतनी लंबी लोडिंग करके अब देखो 350 ट्रक वहाँ पे बैलेंस पड़ा। हाँ जी, कहाँ पर? साउथ में। अच्छा जी, 350 ट्रक का मतलब है अगर भगवान ने अगर हल्की से भी झटका आ गया। हाँ जी, एक एक ट्रक पे 5-5 लाख रुपए का नुकसान होगा। अच्छा जी, अब वहाँ पे जाके आप बाउंडेड है, ना कुछ कर पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। यहाँ पे आपने रात को लोड किया, सुबह यहाँ आ गया माल। हाँ जी, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में माल निपट जाएगा, माल बिक जाता है। यहाँ पे आपको हाथियत पता चल रहा है, आप बच रहे हो या मर रहे हो, रोकना चाहो रोक लो। हाँ जी, तो मेन जो ये दिमाग में था ना कि आपका, यानी जो आप लहसुन साउथ ही बिकेगा, वो दिमाग से निकाल दीजिए। लहसुन के लिए अब दिल्ली मंडी स्टैंड हो गई बिल्कुल, हिमाचल के लिए। अच्छा, के लिए तो पहले से स्टैंड थी। हाँ जी, हिमाचल ही पहले से बिकता था। अच्छा जी, लेकिन अब हिमाचल के व्यापारियों को समझ आ रही है। हाँ जी, कि अगर साउथ मद्दा है तो हम साउथ के भरोसे नहीं बैठे। हाँ जी, हमारे पास दिल्ली एक बहुत बड़ा बाजार है। हाँ जी, जिसमें हम माल बेच सकते हैं, वो खर्चा कम यहाँ पर। खर्चा तो क्या है ही नहीं, कोई आड़त तो है ही नहीं। हाँ जी, अगर कोई आपसे आड़ती आड़त काटते तो आड़त नहीं है दिल्ली में। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, आड़त भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है लोडिंग वहां से किराया भी कम है जी। किराया भी कम है, और अगले दिन आपको आपका रिजल्ट मिलता है, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाता है जी। बिल्कुल। हाँ जी, भाई अगर हमने माल बेचना है। हाँ जी, आपको घबराहट है कि जी माहौल मद्दा है। हाँ जी, आपकी 7 दिन में तो वहाँ गाड़ी पहुँचेगी या 5 दिन में पहुँचेगी। हाँ जी, यहाँ तो इतने दिन में तो आप बेच बाज के पैसे अपने अंदर डालोगे। यानी सबसे दिल्ली का बाजार, दिल्ली का बाजार, दिल्ली की आजादपुर मंडी सबसे बेस्ट चल रही है इस समय, स्टैंड हो गई। हिमाचल के लिए तो मैं बहुत बढ़िया बोलूंगा। हाँ जी, हिमाचल के लिए इतनी दूर जाने से अच्छा हाँ जी यहाँ पे 2-3 दिन में अपना रिजल्ट लो ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टेक्ट नंबर है।